हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेई मेंस 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार आप उसे सुन लें। अ हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 केजी व्हेन अ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। इट कैन लिफ्ट एक्स केजी, एक्स एक अननोन है, व्हेन द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स एंड दैट ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स keeping the same mass m on the smaller piston। यानि इस केस में आपको बताना है कि अगर smaller piston में m kg रख के आप larger piston में 100 kg lift कर सकते हैं, तो smaller और larger piston के areas को change करने के बाद एक नई situation में जैसी कि दी गई है, उसमें आप same mass को smaller piston पर रख के larger piston पर कितने mass को lift कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे ये problem एक बार समझें। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं सिचुएशन को समझाने के लिए। मान लीजिए कुछ इस तरह का पिक्चर इस थीम से एसोसिएटेड है। इसे मैं लार्जर एरिया कंसीडर कर रहा हूं और इसे मैं स्मॉलर एरिया कंसीडर कर रहा हूं। स्मॉलर एरिया पे एम केजी मास रखा गया है, जबकि लार्जर एरिया पर आप 100 केजी को लिफ्ट कर पा रहे हैं। अब ध्यान दें कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि लिक्विड का लेवल दोनों तरफ सिमिलर होना चाहिए। सो इस पॉइंट पर अगर प्रेशर को कैलकुलेट किया जाए इस 100 केजी के कारण, तो वो होना चाहिए 100 इंटू जी अपॉन एरिया ऑफ दिस पिस्टन। इसे मैं ए से प्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने लार्जर एरिया को ए कंसिडर किया है। और अगर प्रेशर को कैलकुलेट किया जाए इस स्मॉलर पिस्टन के पॉइंट पर, तो वो कैलकुलेट होगा स्मॉल एम जी अपॉन एरिया ऑफ दिस स्मॉलर पिस्टन। यहां पर मैं उसे स्मॉल ए मान रहा हूं। अब ध्यान दें, चूंकि एक ही लेवल पे हैं ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट स्मॉलर पिस्टन पे है और एक लार्जर पिस्टन पे, तो इन दोनों पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में प्रेशर को सिमिलर होना चाहिए। आप ये जानते हैं। यहां पर ध्यान दें, ये जो टर्म्स लिखे गए हैं ये प्रेशर को प्रेजेंट कर रहे हैं और केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर किए जा रहे हैं। अब इस इक्वेशन के बाद अगर हम कंडीशन टू की तरफ आए, तो ऐसा बोला गया है प्रॉब्लम में कि लार्जर पिस्टन के एरिया को अगर 16 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए। यहां पर ध्यान दें, लार्जर पिस्टन के डायमीटर को 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए ऐसा बोला गया है। अब चूंकि डायमीटर को 4 टाइम्स बढ़ाने से रेडियस भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, सो जो एरिया है पिस्टन का, चूंकि वो रेडियस की 2 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो डायरेक्टली मैं एरिया पर बात कर रहा हूं और मैं उसे 16 ए कह रहा हूं इस केस में। ठीक इसी प्रकार सेकेंड साइड जहां पर स्मॉलर पिस्टन है, उसके डायमीटर को 4 टाइम्स डिक्रीज करने की बात क्वेश्चन में कही जा रही है। सो अगर आप इस स्मॉलर पिस्टन के डायमीटर को 4 टाइम्स डिक्रीज करेंगे, तो इसका रेडियस 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा और ऐसे में एरिया 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सो अब इस पिस्टन के एरिया को a इंटू 16 और इसे a बाय 16 लिखा जा सकता है। और सिमिलर कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं इस केस में अप्लाई करूं और इक्वेशन क्रिएट करूं, तो क्या इक्वेशन बनेगा? ध्यान दे, इस केस में हम मान ले रहे हैं कि यहां x kg को लिफ्ट किया जा सकता है, जबकि इस स्मॉलर पिस्टन पे m kg ही प्लेस किया जाना है। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि उसी मास को आपको स्मॉलर पिस्टन पे प्लेस करना है। अब प्रेशर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अगर मैं इस केस के लिए लिखूं, तो क्या बनेगा? ध्यान दें, ये होगा x इंटू जी अपॉन 16 ए इक्वल टू एम जी अपॉन ए अपॉन 16, जिसे न्यूमरेटर पर लिया जा सकता है। अब ध्यान दें, अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के रेशियो को कैलकुलेट करें, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी? देखें, वो होगी 100 इंटू जी अपॉन एरिया अपॉन एक्स इंटू जी अपॉन 16 टाइम्स एरिया इक्वल टू एम जी अपॉन स्मॉल एरिया अपॉन 16 एम जी अपॉन स्मॉल एरिया ए। और अब इसे सॉल्व करने पर जो आउटकम आएगा उसे आप ध्यान से देखते रहें, वो क्या होना चाहिए एक बार आप ध्यान से देखें। इन टर्म्स को कैंसिल करने के बाद लेफ्ट में हमें मिलेगा 1600 अपॉन एक्स,
और राइट साइड जो टर्म हमें मिलेगा वो होगा 1/16 और फाइनली कैलकुलेट करने पर ये बन जाएगा x इक्वल टू 25600 यानी 25,600 kg को लिफ्ट किया जा सकता है अगर एरिया में इस तरह के चेंजेस कर दिए जाए। सो इस क्वेश्चन का आंसर 25,600 किलोग्राम होना चाहिए। एक बात पर ध्यान दें कि केवल प्रेशर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो इसे आप एग्जाम में इनिशियल मूवमेंट पर की जाने वाली प्रॉब्लम में कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।